सबस्क्राइब करा जनवार्ता न्यूज चॅनलला, बेल आयकॉनवर क्लिक करून लेटेस्ट न्यूज बघा. व्हिजन इंडिया 2030 आबिदा इनामदार वरिष्ठ महाविद्यालयाचा आंतरराष्ट्रीय वाणिज्य परिषदेचा समारोप कार्यक्रम 19 जानेवारीला पार पडला. केंद्रीय विद्यापीठ आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉक्टर भूषण पटवर्धन हे परिषदेच्या समारोप कार्यक्रमाला 19 जानेवारी रोजी सकाळी उपस्थित होते. यावेळी आबिदा इनामदार मुझफ्फर शेख, इरफान शेख, डॉक्टर एम जी मुला व्यासपीठावर उपस्थित होते. प्राचार्य डॉक्टर शैला बुटवाला यांनी प्रास्ताविक केले. डॉक्टर आफताफ यांनी आभार मानले. इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स हॅड ऑन दी व्हॅल्यूज अँड सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, यु नो, एस्पेशली रिलेटेड टू कॉर्पोरेट व्हॅल्यूज अँड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. The Sustainable Development Goals, there are 17 goals which are signed by most of the, almost all countries. It's a UN initiative, and academic institution like Abeda Inamdar organizing this is really commendable. The organization I could see was very meticulously done, with selection of speakers coming from different countries and different states of India, and the deliberations which I could see some of the glimpses during the valedictory function, very good deliberations were done, and this important subject has been brought on the discussion agenda at the college level, which itself is really worth praise. The corporate all over the world are realizing their commitment to the sustainable development has to increase, and in short, sustainable development is doing something, you know, which will be very important for the future generation, because whatever resources you have, they are not your own. You are not the only ones who should use them or exploit them. You should preserve them for future generations also. So from that perspective, there is inclusivity, there's people inclusion, then there is a big issue about agriculture, rural economies, urbanization, infrastructure development, you know, hunger, nutrition, and one of the education, one of the goal of 17 out of the 17 is also education. So Sustainable Development Conference happening at Education Institute, I think, is a very good step that this institute has taken. I must congratulate Principal Sheila Bootwala and the chairman of the organizing committees and founder of this, Dr. P. A. Inamdar, for this initiative. Thank you. मैं डॉक्टर शैला बुटवाला, प्रिंसिपल आबिदा इनामदार सीनियर कॉलेज, और हमने ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है, विजन इंडिया 2030, स्ट्रेटजाइजिंग कॉर्पोरेट वैल्यूज टूवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी. ये जो हमारी धरती है, इसमें हम लोग सब इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, बस इस्तेमाल ही करते हैं, और अगर इस्तेमाल ही करते रहे तो वो ख़त्म हो जाएंगे. और आजकल जो सारे देश के सारे मुल्क हैं, वो लोग समझ गए हैं कि धरती को हम अगर वापस नहीं दिए तो हमारा यहाँ ज़्यादा टिक पाना मुश्किल है. तो कॉन्फ्रेंस का थीम ये है कि हर छोटे से छोटा इंसान, बड़े से बड़ा कॉरपोरेट हाउस, हमारा बिजनेस, हमारा काम इस तरह से करना चाहिए कि हम हमारे नेचर को और नुकसान न दें. और ये विषय के ऊपर बहुत सारी चर्चा हुई. छोटे छोटे लोग दूर दूर के गांवों में, दूर दूर के शहरों में धरती को बचाने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं, वो सारे डिस्कस हुए. तो क्या है, जब तुमको पता चलता है कि एक देश में सारे जो बोटमैन हैं, वो लोग जब अपनी बोट भाड़े पे देते हैं, तो अगर जो जो कस्टमर्स वो भाड़े पे लेते हैं, अगर वो साथ में अगर नदी में से कुछ कचरा वापस निकाल के लेके आते हैं, तो उनको डिस्काउंट मिलता है. तो छोटे छोटे लोग इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं, प्रक्रिया प्रकृति को बचाने के लिए. और ऐसा सब शेयरिंग हुआ है कॉन्फ्रेंस में. न्यू स्टार्टअप्स भी आए हैं जो प्लास्टिक के बदले अपना रीयूज्ड रीसाइकल्ड पेपर के पेन्स, बुक्स, गिफ्ट आइटम, यहाँ तक के टूथब्रश भी, जो बायोडिग्रेडेबल है,
वो उन लोग ने ला के डिमॉन्स्ट्रेट किए, बताए और उनका स्टॉल भी लगा है और उसकी काफ़ी हद तक अच्छी बिक्री भी हुई। तो लोगों को पता चलता है कि आज हमारे पास प्लास्टिक का ऑप्शन है, हमें प्लास्टिक और थर्मोकॉल के ही प्लेट्स या डिस्पोजेबल ग्लासेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर से, बैम्बू फाइबर से बने हुए डिस्पोजेबल आइटम्स अगर हम खरीदते हैं तो हम अपनी धरती को अच्छे से और अच्छे एनवायरनमेंट में हमारे लोगों को जीने का मौका देते हैं। मैं डॉक्टर एम जी मुल्ला, सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्फ्रेंस, हमारे अभिदयानंद सीनियर कॉलेज में विजन 2030 इस विषय पर सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के ऊपर 2 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजन किए है। द पर्पज ऑफ द सेमिनार, हम चाहते थे कि द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली 2015 में जो 17 गोल्स का डिक्लेयर किया गया, 17 गोल्स का यही पर्पज था, पूरा दुनिया के अंदर कोई पावर्टी नहीं होना चाहिए, कोई हंगर नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। ये इस मकसद को कामयाब करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वेरियस योजना तो चालू है, मगर इसके साथ साथ कॉरपोरेट वर्ल्ड किस तरीके से इन्वॉल्व होना चाहिए, इस विषय के ऊपर हम सारे बच्चों को इन्विटेशन दे दिए, अलग अलग कॉलेज के टीचर्स को इन्विटेशन दे दिए, कम से कम 7 अदर कंट्रीज़ के पार्टिसिपेंट हमारे पास आके इस विषय पर संपूर्ण डिस्कशन किया गया। हमारा मकसद यही था कि 17 गोल्स को किस तरीके से अजम कैंपस में, अभिदय इनामदार सीनियर कॉलेज में, इवन फ्रॉम माइक्रो लेवल टू मैक्रो लेवल तक कैसा इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इसका डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, केस स्टडी भी डिस्कस किए और वेरियस रिसोर्स पर्सन काफ़ी कुछ इनपुट्स दे दिए, एंड आई एम श्योर इस इनपुट की वजह से इसके बाद डेफिनेटली इवन टीचर में, स्टूडेंट्स में, अथॉरिटीज़ में सोशल डेवलपमेंट के जरिए, सोशल ग्रोथ के जरिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यू कैन से, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इट विल बी इम्प्लाइड इन देयर माइंड। आई एम श्योर जो जो गोल हम सेट किए थे वो फ्यूचर के अंदर इसका इम्प्लीमेंट किया जाएगा।